तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कैसे? कि जैसे मैंने बोला कि ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है कि नहीं? ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनके बीच ये एंगल मेजर्ड किया हमने, और ये थीटा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से हमने दिया। अब अगर मैं बी डॉट ए निकालना है, तो बी डॉट ए निकाला मैंने, तो कैसा होगा? ये मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए और फिर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड ए विच हैज टू बी को इनिशियल, और फिर उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड करना है। तो अब ये तो वेक्टर्स आपके को इनिशियल है ही, तो को इनिशियल होने से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड करते हैं, तो डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का होता है। करेक्ट है कि नहीं? तो अब अगर या तो फिर इसको वेक्टर को बी मान लो, कोई इशू नहीं है, ये बी और ये ए, ठीक है कि नहीं? ठीक। तो अब फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया तो। लेकिन अगर मान लीजिए यही वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और आपने इन दोनों के बीच का जो एंगल मेजर किया है ये एंटी क्लॉकवाइज में जो थीटा आता है, इससे ये बात तो क्लियर होती है कि अगर एंगल्स में बात करें तो इस बार ये इनिशियल और ये टर्मिनल है। अब ये इनिशियल और ये टर्मिनल होगा तो मतलब आप एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो एंगल माइनस थीटा होगा। लेकिन कोसाइन में, खास करके कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आपने देखा होगा कि एंगल अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोसाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आने वाली है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए इस बार ये एंगल अगर नेगेटिव भी होगा तब भी ये वही कॉस थीटा वैल्यू और ये कॉस थीटा वैल्यू दोनों सेम होगी, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी ये किसके इक्वल होगा? बी डॉट ए के, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होगा। देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई इश्यू नहीं है, ये पहले मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लीकेशन होता है रियल नंबर सिस्टम में वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, 2 × 3 और 3 × 2 कोई इशू नहीं है। तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, यहाँ पे जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में मेजर किया है और यहाँ जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में मेजर किया है, तो खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो नेगेटिव। लेकिन कोसाइन के अंदर में है, तो कोसाइन के अंदर में वो कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है, कॉस ऑफ प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होंगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं एक और चीज को आपको बताना चाहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ खाली मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे ये ए डॉट और ये वेक्टर बी प्लस सी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये ऐसे हम लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका यूज होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है फाइन, ओके। अब मैं क्या करता हूं, डॉट प्रोडक्ट को इसके कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा उसको चेकआउट करते हैं। फाइन, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से दिया जाएगा? देखो, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म,
मान लिया जाए ये वेक्टर ए वन आई प्लस बी वन जे है और वेक्टर बी ए टू आई प्लस बी टू जे है। तो मतलब मैं प्लेन में बात कर रहा हूँ और मुझे ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी ठीक है फाइन। तो अब ए डॉट बी जब मैं निकालूंगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। मतलब ये जो स्केलर कंपोनेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस ये दोनों जो स्केलर कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यही चीज थ्री में होगी तो जैसे वेक्टर ए देती है आपने ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के और वेक्टर बी दे दिया ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ए डॉट बी जो होगा वो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू होगा थ्री डी में। तो हम ये बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म डायरेक्टली। तो कंपोनेंट फॉर्म से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसको नोट करिए कि यहाँ पे हमको एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके स्केलर कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको हमको मेजर करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हमको ये फैसिलिटी देता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर्स, करेक्ट ही नहीं? हाँ, लेकिन जो ये डेफिनेशन बना है ना वो एंगल के कॉन्सेप्ट से ही बना है। तो कैसा होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। ए डॉट बी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ए वन आई प्लस बी वन जे, ये तो प्रूफ हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी समझ लीजिए आप बी टू जे इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अलजेब्रा को समझने के लिए तो पहले क्या करो, ए वन आई इसका पूरे में डॉट होगा ए टू आई प्लस बी टू जे में, फिर प्लस बी वन जे का डॉट प्रोडक्ट होगा इस वेक्टर ए टू आई प्लस बी टू जे में, करेक्ट है क्या? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर लिया। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए वन इंटू ए टू और ये आई डॉट आई होगा, फिर ए वन इंटू बी टू ये आई डॉट जे होगा, फिर यहाँ आते बी वन ए टू ये जे डॉट आई होगा और यहाँ आते बी वन बी टू ये जे डॉट जे होगा, ठीक है सर। अब एक्चुअली में मैं आपको अभी तक के दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये तो मैंने बता चुका है, ठीक है। तो ये जीरो देगा, ये जीरो देगा जे डॉट आई, करेक्ट। तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ आ गया ए वन ए टू आई डॉट आई और यहाँ आ गया बी वन बी टू जे डॉट जे। अब आई डॉट आई और जे डॉट जे को निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि उनके बीच एंगल जीरो है। तो कोसाइन ऑफ जीरो क्या होगा, कोसाइन ऑफ जीरो, तो आई डॉट आई निकाल देता हूं मैं। ये आई डॉट आई इसकी बात करेंगे तो मॉड ऑफ आई, फिर मॉड ऑफ आई और उनके बीच एंगल जीरो है, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। तो वन इंटू वन कॉस जीरो कितना होता है, फिर से कॉस जीरो वन होता है, तो ओवरऑल ये वन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू होगा, मतलब ए डॉट बी। अब ए अगर इस प्रकार का कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज को आप रख लीजिए, आगे की प्रॉपर्टीज में दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।